श्रोतागण, अभी आप सुन रहे थे गढ़वाली भाषा में कार्यक्रम परमेश्वर का वचन कहता है। धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। आइए सुनिए हमारा अगला कार्यक्रम पंजाबी भाषा में। TWR इंडिया सुन रहे हैं, भारत के लिए आशा का संदेश, रेडियो और इंटरनेट के माध्यम से TWR 360 पर, यानी कि www.twr360.org। स्वागत है। मैं हुणे ही अखबार विच पढ़िया है कि एक प्रसिद्ध चित्रकारी नु द्वारा सही करण दा काम खत्म हो गया है। बोला कि तुसी उन्दे बारे कुछ सुनिया है? हाँ, मैं सुनिया है। अखबार ने दस्या है कि 20 साल दे बाद एक प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्ड द विंसी दी चित्रकारी अखेला पोज नु एंदे असली रूप विच लगाया गया है। आ चित्रकारी इटली विच एक आश्रम दी कांदे है। तुसी कहा कि उदे विच 20 साल दी मेहनत लगी है, आ ता एक चित्रकारी दे पूरे जीवन पर दे काम ही तरह है, आ विश्वास नहीं हुंदा। हाँ, बेशक। की तुसी सोचते हो कि अपने जीवन भी काफी वारी एस चित्रकारी दी तरह है, आपा नु भी मरम्मत दी लोड़ पड़दी है। मैं जानती हां कि तुसी आज गुरमीत तो एक चाय दे कप दी कहानी दा आनंद उठाओगे, जिन्नु मरम्मत दी लोड़ पई सी थी। आशा परियोजना विच साडे नाल बने रहो। अखिले पोस्ट ते पढ़े एक लेख तो मैं बहुत अचरज विच पड़ गई थी। किसी चीज ते इतने लंबे समय तक काम करन दा धीरज मेरे विच नहीं है। कि तुहाडे विच है पोला? नहीं, कई बारी कुछ काम बहुत लंबा समय ले लेंदे हैं। मैं जानती हूँ कि तुसी अपने छोटे बेटे की चंगाई की उड़ीक कर रहे हो। जमा उस चित्रकारी की तरह, बस एदे विच 20 साल नहीं लगनगे। नहीं लगनगे, रोहन की तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ, ओदे पैर ते इम्पेटिको है, ओनू ठीक होने विच 1 या 2 हफ्ते या फिर थोड़ा लंबा समय लग सकता है। इम्पेटिको की होंदा है? आ चमड़े दी एक बीमारी है जो मध्य क्षेत्रां च ज्यादा होंदी है, चमड़ी बद्दी हो जांदी है, ता आ फैलन वाली बीमारी है। बहुत सारे लोकी एदे तो प्रभावित होंदे हैं। मैनू नहीं पता कि इम्पेटिको नु किस तरह संभलिया जावे। जदों मैं पहली बारी रोहन दे पैर ते दाणे वेखे सी, ता मैं शीला नु बुला के पुछया सी कि आ की है। उन्हें कहा कि आ इम्पेटिको है, ते मैनू अपने पुत्र नु डॉक्टर कोल लेके जाना चाहिदा है। लोका नु काफी बारी चमड़ी दिया बीमारियां हो जांदियां हैं, ता पैनो आज पोला एंदे बारे आपा नु दसेगी।
वेडिगो एक आम चमड़ी दी संक्रमण है जो खास तौर विच बच्चियां विच पाया जाता है, खासकर उदो जदो ओ असुरक्षित स्थितियां च हुंदे है। चमड़ी ते आम तौर नाल बहुत सारे कीटाणु हुंदे है जो कोई नुकसान नहीं करते, पर जदो चमड़ी दे विच तरेड़ आ जांदी है तां कुछ कीटाणु शरीर दे विच प्रवेश करके वध जांदे है। शरीर दे विच तरेड़ा कीड़े दे कारण पशु दे दंद वड्डन या फट जान नाल हो जांदे है, पर कदे कदे इम्पेटिगो ओथे भी हो जांदा है जिथे कोई तरेड़ ना विखाई दे। इम्पेटिगो खुरक वाले लाल दाने छाले बन के फुट जांदे है ते वद के फैल जांदे है। छाले दे विच पाए जान वाले पस नाल ओ होरां ते भी फैल जांदे है। काओ जिन्हां नूं फाले भी कहा जाता है ओ चेहरे या बुल्ला बावां या लत्तां ते अते शरीर दे दूजे हिस्सियां विच फैल जांदे है। ए छाले पीले पस नाल भरे हुंदे है, जदों ओ फुट जांदे है तां छाला मिट जांदा है। इम्पेटिगो दा इलाज संक्रमण नूं ठीक करना ते निशान नूं दूर करना है। शुरुआती संक्रमण का इलाज डॉक्टर द्वारा दस्ते गए मलम नाल हो जांदा है, पर बड़े संक्रमण का इलाज मुंह तो प्रतिरोधी दवाई लेके कीता जा सकता है। घाव नूं साबुन अते साफ पानी नाल कई बारी धोना भी वधिया हुंदा है। एदे नाल पस ते घाव निकल जांदा है। संक्रमण दे फैलाव नूं रोक दे लई हर वारी साफ कपड़े ही प्रयोग करो। चमड़ी नूं साफ करन तो बाद गंदे कपड़े नूं गर्म पानी विच धोवो ते सूरज दी रोशनी विच सुकाण लई टंग दो। परिवार दे दूजे सदस्यां लई ओ कपड़े प्रयोग ना करो। आ भी महत्वपूर्ण है कि परिवार दे दूजे लोकी इको ही कपड़े या तौलिए इस्तेमाल ना करो। चमड़ी ते घाव नूं छून तो बाद चंगी तरह हाथ धो लो। आम तौर नाल इम्पेटिगो का घाव हौली हौली भरदा है, पर सही इलाज नाल जल्दी ठीक हो जाता है। कुछ मामलों विच इम्पेटिगो कुछ जटिलतावां फैला देंदा है। सारियां तो खतरनाक है किडनी दी बीमारी, इस लई जे बच्चे नूं जुकाम सिर दर्द कट पेशाब आना या चेहरे दे चारों पासे सूजन आ जावे ता उस वेले ही डॉक्टर नू वखाओ। एक होर चमड़ी दी बीमारी दे बारे मैं दसना चाहनी हां, ओ है फुंसियां। एक फुंसी गंदे फोड़े दी तरह लग सकती है, पर वास्तव विच आ संक्रमण है जो बाल दी ग्रंथि या तेल दी ग्रंथि नू प्रभावित करदा है। आ ज्यादातर चेहरे गर्दन फुले या कच्छ विच हुंदे है। शुरुआत विच फुंसी लाल ते कोमल हुंदी है। एक हफ्ते या 10 दिन बाद चमड़ी दे थले पस भर जांदी है जिदे नाल फुंसी जिदे रंग भी विखदी है। ऐ फुंसी चमड़ी फटन तो पहला काफी सुज के दर्द